देखिए, अभी तक हमने ली चैटेलिए प्रिंसिपल पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, अब हम बात कर रहे हैं फेज डायग्राम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए फेज डायग्राम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। देखो, हम फेज डायग्राम क्या बोलते हैं, हमारे पास सॉलिड लिक्विड के साथ होता है और लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम बना सकता है, बना सकता है, बोलो यस। अब यहां दो बातें होती है, एक वाटर टाइप सिस्टम H2O सिस्टम और दूसरा कोई भी और सिस्टम ले लो H2O को छोड़ के, अदर जनरल सिस्टम, जनरल सिस्टम फेज डायग्राम में। यहां H2O सिस्टम में क्या है, सॉलिड से जब आप लिक्विड जाते हो, ध्यान से सुनना, सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो इस जगह वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। जबकि जनरल सिस्टम में आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ जब यहां लिक्विड से वेपर में जाते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और यहां लिक्विड से वेपर जाते हो तो यहां पर भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसका जो फेज डायग्राम आएगा, जो सॉलिड और लिक्विड और इनको चेंज बताता है या सब कुछ समझाता है, वो कुछ इस तरह से आएगा। यहां सॉलिड होता है, यहां लिक्विड होता है, यहां वेपर होती है, इस तरफ टेम्परेचर है, इस तरफ प्रेशर है, या इस तरफ प्रेशर है और इस तरफ टेम्परेचर है। अगर प्रेशर 1 atm रख दिया जाए तो फेज डायग्राम पढ़ना सीख लो पहले, फिर लिखना, इतनी भी जल्दी मत लिखो। इस पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहां पर 50% सॉलिड 50% लिक्विड रहेगा, बोलो यस। यहां पर 100% लिक्विड होगा, यहां पर 50%, इस पॉइंट पे 50% लिक्विड 50% वेपर रहेगा, क्योंकि इस तरफ वेपर आ रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों ही 33 33 33 रहेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो यहां आपके पास क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा तीनों में, पक्का। तो मैं आपको वापस आने की कोशिश कर रहा हूं, इस जगह सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम रहेगा, इस जगह लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड बॉयल भी हो रहा है साथ में। इस जगह बर्फ भी होगी, पानी भी होगा और पानी उबल भी रहा होगा, अजीब सी इमेज है इस प्रेशर पे। यानी इस जगह आप जब देखोगे तो आपको आइस वाटर विद बॉइलिंग तीनों एक साथ मिलेंगे, और इसको बोलेंगे अपन ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये बहुत ही कम प्रेशर पे होगा, यानी 1 atm पे तो आ ही नहीं सकता। तो अगर आपको एक ऐसी स्टेट चाहिए जहां आइस भी रखा हो कंटेनर में, वाटर भी हो और वो बॉइल भी हो रहा हो, तो वो ट्रिपल पॉइंट पे हो सकता है। और ये ट्रिपल पॉइंट 1 atm पे नहीं आता, इसका मतलब आप 1 atm में ओपन कंटेनर में कभी भी तीनों चीजें एक साथ नहीं देख सकते। आप बर्फ से साथ डायरेक्ट वेपर बनते हुए देख सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है, बर्फ से वेपर बन सकती है लेकिन वो बॉयल नहीं हो सकती, समझ में आ रही है बात, बॉयल नहीं हो सकती। इस जगह वेपर लिक्विड बॉयलिंग तीनों दिखेगा, और इससे कम प्रेशर पर सीधा बर्फ किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में। यहां आपको कभी लिक्विड मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। यानी अगर आप बहुत कम प्रेशर पे जाते हो, जैसे चंद्रमा पे चले गए, तो आपको सीधा सॉलिड से वेपराइज होता हुआ दिखेगा, लिक्विड दिख ही नहीं रहा है बीच में, सॉलिड लिक्विड वेपर सिर्फ एक लिमिट के बाद दिखेगा तीनों फेज, समझ में आ रही है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो सीधे सॉलिड से वेपर में जाते हैं, ठीक है, पक्का।
180 पर भी, लेकिन आइस में ये ट्रिपल पॉइंट के नीचे और ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर बहुत कम है, तो आइस 180 पर तो बिना लिक्विड में हुए वेपर बना ही नहीं सकता। अगर बनाना चाहते हो तो उस आइस को उठा के किसी और प्लानेट पे ले जाओ, अपने आप आपको वहां पर या कभी भी समुद्र नहीं मिलेगा, सील मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ दो ही स्टेट होगी आइस के लिए, वाटर के लिए आइस या फिर वेपर, क्योंकि प्रेशर ही बहुत कम है। कोई समझ में आया? तो ये वाला कर्व मान लीजिए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, ओ मान लीजिए। तो ए ओ आपके लिए कहलाएगा फ्यूजन कर्व, सॉलिड से लिक्विड, या मेल्टिंग कर्व। ओ बी क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन कर्व, और ओ सी क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कर्व। तो इनके नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं साथ के साथ। दूसरा पॉइंट, क्या ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है? हाँ है। ये सारे के सारे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है? हाँ है। ये सारे पॉइंट क्या है, सब्लिमेशन। तो क्या पानी के लिए या वाटर के लिए एक से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। तो फिर हमें मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों बोला जाता है, 180 पे बोला जाता है। और 180 पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट आएगा, वो कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टैंडर्ड की, 273 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कुछ कह सकते हैं कि सर ये एग्जैक्ट 100 नहीं होती, 100.15 होती है एग्जैक्ट वैल्यू। मैं इस बहस में नहीं फंसना चाहता, अप्रोक्सीमेट ये होती है। ठीक है, कोई डाउट आ गई बात समझ में? तो आप ये अप्रोक्सीमेट बताया मैंने, 0.15 बहुत कम है डिफरेंस, इसलिए हम हमेशा 100 ही लिखते आए हैं। और कोई डाउट नहीं तो लिखें। जबकि दूसरे कर्व इस तरह से नहीं होते, उनके कर्व कुछ इस तरह से होते हैं। दोबारा ढंग से, ये इस तरफ से रहेगा, अगर कोई दूसरा लिक्विड है, वाटर नहीं है, ठीक है ना? वाटर में तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए इस तरह से शेप है। बाकी अदर लिक्विड्स में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस चेंज होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। और ये उसका ट्रिपल पॉइंट होता है अदर्स के लिए। तो दोस्तों एक और चीज है, अगर वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट लिखोगे आप जो आप डिमांड कर रहे हो, तो ये ट्रिपल पॉइंट आएगा आपके पास 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, काफी कम है जीरो, ठीक है। और अगर प्रेशर की बात करेंगे, यहां प्रेशर कौन सा होगा, ये प्रेशर हमारे पास होगा 0.006 एटीएम, बहुत ही कम है, 0.006 एटीएम, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना 0.01, और एक याद रखना 0.006 एटीएम। तो अब ये बताइए आप कि जो मैंने बताया था 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है या स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना? स्टैंडर्ड तब लिया जाता है जब एक्सटर्नल प्रेशर 180 हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास फेज डायग्राम हुआ जो आपको समझ में आ रहा है, पक्का? तो बहुत अच्छी बात है, आपने फेज डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लिया। लेकिन अब इसका यूज करना है हमें किसके लिए, लीच एटेलिए के लिए। तो शुरू करें लीच एटेलिए, बिल्कुल करते हैं। लिखो इसको जल्दी से, मैं वापस आ रहा हूं। इक्विलिब्रियम पे हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी मेल्टिंग पॉइंट की एक बेसिक डेफिनेशन अगर हम इस चैप्टर में समझे, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू फ्रिज, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो, बात एक ही, जिस पे मेल्ट होगा उसी पे फ्रिज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट की मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल, पक्का?
तो अगर आप फेज डायग्राम के बाद फिजिकल इक्विलिब्रियम को देखना चाहते हैं, तो आपके पास रहेगा इफेक्ट, हेडिंग क्या रहेगा आपके पास, इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, समझिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मेल्ट होना। ये सॉलिड से आप क्या ले गए, आप कहाँ जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड की तरफ। सॉलिड आप ले रहे हो, एक गैस ले रहे हो, वाटर H2। तो यहां क्या होगा, एक तरह से आइस किस में चेंज होगी, वाटर में, यानी कि लिक्विड में। आप अच्छे से जानते हो यहां वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है और यहां वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसीलिए तो आइस की डेंसिटी कम होती है, पानी पे फ्लोट करता है वो। एकमात्र ऐसा सॉलिड दिख रहा है आपको इस जगह जनरल एग्जाम्पल में जो अपने लिक्विड में तैरता है, ठीक है, अपने ही लिक्विड में, बाकी सब क्या होते हैं, डिप हो जाते हैं अंदर। तो चलिए वॉल्यूम कम हो रहा है, ये बड़ा वॉल्यूम है, ये छोटा वॉल्यूम है, इक्विलिब्रियम है। अब अचानक आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ वॉल्यूम क्या हो, कम हो। वॉल्यूम कम होगा तो आपका किस तरफ शिफ्ट होगा, ये जल्दी से बताइए, फॉरवर्ड। तो प्रेशर बढ़ाते ही किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आते ही ये पहला इफेक्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा इफेक्ट। फॉरवर्ड जाते ही वाटर की क्वांटिटी क्या बचेगी, क्वांटिटी ऑफ H2O लिक्विड क्या होगी, बढ़ेगी, और आइस की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम। आइस की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम। अब आइस की क्वांटिटी कम हो रही है, लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो आपको वापस लिक्विड को आइस में चेंज करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका जो आ रहा है या मेल्टिंग पॉइंट जो आपके पास आ रहा है, वो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो वापस क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड होगा। इज दैट क्लियर। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मेरे पास ये आइस की वो है क्यूब, क्यूब क्या बोल रहे हो, बस एक हम तो इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि एक सिल्ली रखी हुई है आइस की, बहुत बड़ी है और अचानक मैंने यहां पर वायर से एक वेट W इधर और W इस तरफ रख दिया, क्या होगा थोड़ी देर बाद, पता है क्या होगा, ये इस जगह प्रेशर बढ़ेगा, मेल्ट हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर प्रेशर रिलीज होते ही वापस जम जाएगा। तो फाइनली पता है क्या होगा, ये इतना सा रह जाएगा और ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, और उसके बाद एक समय क्या हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, और ये टूटेगी भी नहीं और ये पूरा गिर जाएगा नीचे, क्योंकि जहां जहां प्रेशर बढ़ेगा वहां वहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो प्रेशर बढ़ते ही क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर तो अभी उतना ही है, तो उस जगह क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होने लगेगी। कुछ समझ में आया, मेल्ट होगी और वो पूरा का पूरा नीचे निकलता जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी बोल देता हूं मैं, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया इस जगह मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपका इसका टेम्परेचर तो अभी भी कितना है, 0 डिग्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फिर और नीचे आया तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और ऊपर से प्रेशर रिलीज होते ही वहां पर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, वापिस फ्रीज हो जाएगा, आइस बन जाएगा। एक बार और समझाना है, हाँ या ना, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास प्रोसेस है, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये रहेगा कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो और उल्टा भी सही है, प्रेशर कम करने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मान लीजिए ये समुद्र बह रहा है, ठीक है, ये आपके पास जमीन है, समझ रहे हैं आप, ये जमीन है और यहां पर एक पहाड़ है,
पक्का? तो जब आप ये पहाड़ पे जा रहे हैं, यहां पर प्रेशर कितना है? 1 atm। यहां प्रेशर कितना है? 1/2 atm। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी आप बोलते हो, कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहां बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, तो यहां पर कितने पे होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा यहां पर, या जिसको आप मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, वो कितना होगा? मान लीजिए ये कुछ भी हो लेकिन बढ़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। ये हो सकता है 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हाइट पे जाने पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। रिजल्ट एक और लिखते जाइए, ऑन मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन प्रेशर डिक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट जिसको और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑफ वाटर। वाटर के केस में ऐसा हो रहा है, ठीक है, जबकि दूसरे केसेस में हो सकता है इसका अपोजिट हो। ड्राइंग पूरी अच्छी सी बनाना, लगना चाहिए बढ़िया वाला पहाड़ है। देखो ठीक है, अगर ये लिक्विड आइस H2O नहीं होता, केस बी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? बी यानी आप बोल सकते हो जनरल लिक्विड या नॉन जनरल लिक्विड, नॉन H2O के मतलब H2O के अलावा अगर हम बात करते तो क्या होता? तो H2O के अलावा अगर हम बात करते हैं, कोई भी ले लो आप, जो H2O के लिए अलावा अगर हम बात कर रहे थे, तो हमने ग्लूकोज ही ले लिया, या अमोनिया या CO2 कुछ भी ले सकते थे। ये सॉलिड, ये लिक्विड, यहां वॉल्यूम मान लीजिए सॉलिड का ये है, इतना बड़ा है, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, ठीक है। आपने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा? जहां वॉल्यूम लिक्विड वाले का ज्यादा होगा इस जगह, बिल्कुल सही कहा। ध्यान से देखो, बड़ा ही तो है, तो प्रेशर अगर बढ़ चुका है तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा? यहां प्रेशर बढ़ चुका है तो वॉल्यूम क्या होगा? यहां पर किस तरफ जाएगा? कम की तरफ। तो किस तरफ जाएगा ये, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। जब ये बैकवर्ड जाएगा तो सारा सॉलिडिफाइड हो जाएगा, आप तो प्रेशर बढ़ा रहे हो, उल्टा सॉलिड हाइड हो, तो इस जगह आपका क्या बोल सकते हो? बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो हो रहा है वो तो खुली में उल्टा, बल्कि जब बना हुआ लिक्विड वापस किस में चेंज हो गया? सॉलिडिफाइड हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इस जगह बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि अब आपको लिक्विड करने के लिए और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो गर्म करना पड़ेगा यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा इस जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया। यदि आप अगर इसको नॉर्मल लेके जाते हैं वापस हमारे वाले केस में, कि ये हमारे पास समुद्र है, ये हमारे पास जमीन है, ये हमारे पास पहाड़ है, यहां हमारे पास ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एक्स है,
तो यहां हमारे पास ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मोर देन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, हाफ एटीएम, और यहां कितना है एक्सटर्नल प्रेशर, 1 एटीएम। बस सिंपल सा है, तो लिखे इसको। तो हमारे पास अगले जो पॉइंट होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए ये लिक्विड है आपके पास कंटेनर में, ये क्या है, कोई भी लिख लीजिए, भले वो यहां पर वाटर हो और एनी अदर लिक्विड, एनी अदर कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां H2O मैंने मान लिया लिक्विड, और यहां मेरे पास है H2O वेपर, यहां वॉल्यूम मान लीजिए ये है, यहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, बैकवर्ड जाएगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, कम किस तरफ है, इस तरफ, तो बॉइलिंग पॉइंट इस जगह क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपको वापस वेपराइज करना है। तो कुल मिला के ये चीज आपके पास आ गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो रिजल्ट ये। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? तो एक सेकंड के लिए इसका उल्टा भी सही है, प्रेशर कम करेंगे तो, चलिए ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से। तो मान लीजिए ये हमारे पास सी लेवल है और ये जमीन है हमारे पास और ये पहाड़ है, बहुत हाइट है, यहां प्रेशर 1 एटीएम है, और मान लीजिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊपर गए जहां पर प्रेशर कितना ना है, हाफ एटीएम है, प्रेशर हाफ एटीएम है, तो प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो यहां बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहां बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, होगा या नहीं होगा? यानी ऊपर जाने पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में गैप क्या हो जाएगा, कम, समझ में आ रहा है? तो दो रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट ऑन मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O डिक्रीजेस, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O इंक्रीजेस, सो द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बस पूरी कहानी यह है, लिख लो।